हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और मेरे चैनल विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मूंग दाल के हलवे की टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, इस हलवे को हम चाशनी के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आइए मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे लिए है मैंने 250 ग्राम पीसी हुई और धुली हुई मूंग की दाल। तो 250 ग्राम दाल को मैंने लगभग 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और उसके बाद एकदम फाइन पेस्ट में पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया गैस पर एक कढ़ाई और गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 250 ml घी। तो घी को हमें मेल्ट होने देना है। तो घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे दाल का पेस्ट। तो सारा का सारा जो दाल का पेस्ट हमने पीसा था डाल देंगे हम इसमें और इसको अब हम चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि घी इसमें ज़्यादा है, तो इसमें घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे आप इसे कुक करते जाएंगे घी इसमें अपने आप एब्जॉर्ब होता जाएगा, इनकी जो दाल है वो अपने आप घी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप देख सकते हैं जो दाल है हमारी उसने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस हमें इसी तरह से चलाते और कुक करते जाना है। तो अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन लेंगे तो वो नीचे नहीं चिपकेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने लिया है स्टील का बर्तन। तो ये नीचे थोड़ा सा चिपक रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पैचुला को चेंज कर लिया है। तो धीरे धीरे जैसे हम इसे कुक करेंगे तो ये अपने आप ही चिपकना नीचे बंद हो जाएगा। तो बस हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से कुक कर लिया, अभी नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो बस इसी तरह हमें इसे चलाते रहना है। तो यहाँ पे स्पैचुला का मैंने फिर से चेंज कर लिया क्योंकि अभी नीचे से नहीं चिपक रहा, और इसी तरह हम इसे चलाते हुए कुक करेंगे जब तक ये घी है अलग ना हो जाए इससे और इसका जो कलर है दाल का हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तब तक हमें इसे कुक करते जाना है। तो आप देख सकते हैं लगभग कई देर तक कुक करने के बाद हमारा जो दाल का कलर है एकदम बदल गया है। हमारा दाल जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, यानी कि अभी पूरा कुक नहीं हुआ, अभी हमें और कुक करना है इसे। तो बस हम इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे इसी तरह। अब यहाँ पर हम बना लेंगे हलवे के लिए चाशनी। तो यहाँ पे मैं चाशनी मेरा हलवा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डालूंगा मैं एक पैन में लगभग 1.5 कप चीनी और इसमें डालूंगा मैं लगभग 1 कप पानी। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, उस चाशनी को यानी कि चीनी को हमें घुलने तक पका लेना है और हमें इसकी एक चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसमें लगभग 10 से 12 केसर के धागे। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। तो बस इसकी हमें एक अच्छी चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसको हम इस तरह कुक होने देंगे। तो हलवा भी जो दाल है हमारा अच्छे से कुक हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे अब मैं डाल रहा हूँ लगभग 200 ग्राम मावा। तो मावा से क्या होता है, इसका टेस्ट है और भी बढ़ जाता है, हलवे का टेस्ट और जो इसकी क्वान्टिटी है वह भी बढ़ जाती है। तो इस तरह हम इसे कुक करते जाएंगे और जब तक कि हमारा जो मावा है वो अच्छे से मैश ना हो जाए, यानी कि हलवा और जो मावा है वो मिक्स ना हो जाए, तब तक हमें इसे कुक करते जाना है। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम मीडियम ही रहनी चाहिए, हाई नहीं रखनी है गैस की फ्लेम, नहीं तो हमारा हलवा जो है वो जल सकता है। तो आप देख सकते हैं जो मावा है अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें अच्छे से। तो बस हमें इसी तरह धीरे धीरे से कुक करते जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी भी अच्छे से बनकर तैयार हो रही है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे हल्का सा कि हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी है या नहीं। तो हमारी चाशनी एकदम चिपचिपी है, तो हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। चाशनी हमारी बन चुकी है। तो अब इस चाशनी को हम डाल देंगे इस दाल के मिक्सर में। तो इसको हमें लगातार इसी तरह चलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा जो हलवा है वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। बस इसे ऐसी तरह चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी ख़त्म हो रही है और जो हमारा हलवा है वो गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसमें डाल दूंगा मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और पिस्ते। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने मन के अनुसार डाल सकते हैं।
आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे किशमिश नहीं डाली है। तो बस हमें इसी तरह से चलाते रहना है और इसे कुक करते जाना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी और डाल रहा हूँ। तो बस इसी तरह हम इसे चला लेंगे, बस ये लगभग बनने ही वाला है। तो हमारा हलवा जो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है हमारा हलवा, और साइड में आप देख सकते हैं कि हलवे ने हमारा घी छोड़ दिया है। तो अभी इस हलवे को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा किसी प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हलवा लग रहा है, इसकी शाइनिंग देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस दिवाली हलवा ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका हलवा कैसा बना।